नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश डी हजारे और आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज की भी जो वीडियो है, यह वीडियो भी कौन होनार करोड़पति के ही संदर्भ में है और कौन होनार करोड़पति से संबंधित दो अपडेट्स है, जिनमें से एक अपडेट मैं दो अपडेट है बोलने से अच्छा एक ही अपडेट है जिसको मैं दो पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो अपडेट है ये आपके द्वारा 26 मार्च 2022 से लगातार पूछे जा रहा था ये सवाल, और उसी के संदर्भ में अपडेट है। आपको पता होगा कि कौन होनार करोड़पति की पर्सनल इंटरव्यू के लिए 26 मार्च 2022 को कॉल आने की पुष्टि हमने 27 मार्च को जो हमने रात को वीडियो मतलब पोस्ट की उसमें हमने कर चुके हैं। और उसके बाद आप दर्शकों के सवाल आ रहे थे कि सर क्या जैसा कि कॉल पर बताया जाता है, पर्सनल इंटरव्यू की जब डेट बताई जाती है तो ईमेल मांगा जाता है और ईमेल में हम मेल भेजेंगे और उस मेल में आपको पीडीएफ भेजी जाएगी, ये बताया जाता है, जिसको फिल करके रिप्लाई करने के लिए बोला जाता है पर्सनल इंटरव्यू के पहले। तो क्या वह पीडीएफ आई या नहीं आई, अब तक तो भी किसी को भी नहीं आई, ये अपडेट थी। और वो कब आएगी, ये भी अपडेट थी। अगर नहीं आई तो क्या करें, वो भी एक मतलब अपडेट थी, कहने से अच्छा सवाल था। और इन सब प्रश्नों के उत्तर जो है वो मैं इसके पहले के दो वीडियोज में लगातार दे चुका हूँ कि अगर आप लोगों को पर्सनल इंटरव्यू का कॉल आया है परंतु पीडीएफ अगर मेल के माध्यम से नहीं आई है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब बातें मैं अपनी वीडियो में ऑलरेडी पिछले दो दिन तक बता चुका हूँ। तो अब दोस्तों, आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो रहा है। जी हाँ, आज मैं ऐसी अपडेट लेकर आया हूँ, शायद आप लोगों को वो जिनके साथ घट चुका है, जिनको मतलब उनको पता चल गया होगा, जिनको पता नहीं है हो सकता है उनको इस वीडियो के माध्यम से पता चले, और जिनको भी पता नहीं था और ना ही उनको वो अपडेट उनसे संबंधित थी, ऐसों को जो है मैंने अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में और मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी यह अपडेट वीडियो के पहले ही बता दिया हूँ। तो वो अपडेट क्या है, तो दोस्तों आपका जो सवाल है उसी का उत्तर है वह अपडेट। आपका सवाल था कि सर हमको पर्सनल इंटरव्यू का कॉल तो आ गया परंतु जो पीडीएफ हमको आनी चाहिए थी, जो मेल हमको आना चाहिए था, वह मेल अब तक भेजा नहीं गया है, तो सर वह कब तक भेजा जाएगा। तो दोस्तों उसी के संदर्भ में आज की अपडेट है, और वो ये है कि आज मतलब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ 30 मार्च 2022 को, अर्थात रात का टाइम है, परंतु 29 मार्च 2022 को दोपहर से जो है कौन होनार करोड़पति के पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो भी दर्शक शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जिनको भी अब तक कॉल किए जा चुके हैं, जिनको भी पर्सनल इंटरव्यू से संबंधित जो स्पर्धक माहिती पत्रक या कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट या कंटेस्टेंट रिलीज फॉर्म जो है वह मेल के माध्यम से भेजा जाएगा करके बताया गया है, वह फॉर्म वह पीडीएफ 29 मार्च 2022 से शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट्स जिनको पर्सनल इंटरव्यू का कॉल भी किया गया, उन सभी कंटेस्टेंट्स को भेजना शुरू हो चुका है। तो ये है आपके प्रश्न का उत्तर और मेन अपडेट कि 29 मार्च 2022 से पर्सनल इंटरव्यू के लिए कौन होनार करोड़पति के सीजन 3 की जो पीडीएफ है, स्पर्धक माहिती पत्रक, वह भेजना चालू हो गया है। तो अब इसके बारे में भी मैं दो तीन चीज़ें बता देता हूँ कि दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू का कॉल भी एक साथ सभी को नहीं आया, वो भी अलग अलग दिन सबको आया है। पर्सनल इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वह है जो ऑलरेडी वेबसाइट पर मेंशन है या एप्लीकेशन पर मेंशन है, वह है 31 मार्च 2022 से लेकर 7 अप्रैल 2022 तक। तो सबकी इंटरव्यू अलग अलग डेट्स पर है, कॉल भी सबको अलग अलग डेट पर आए। तो ऐसे में ये जो अब पीडीएफ चालू हुई है भेजना, तो ये पीडीएफ सभी यूजर्स को, सभी कंटेस्टेंट्स को जो भी पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है, एक साथ आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम ये नहीं कहते कि एक साथ नहीं आएगा, परंतु एक साथ आएगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कुछ दर्शकों को आज कॉल आए हो, कॉल बोलता हूँ पीडीएफ आ गई हो मेल के माध्यम से, और कुछ दर्शक अगर अभी भी अगर अपना मेल बॉक्स या इनबॉक्स चेक करेंगे तो शायद उनको यह पीडीएफ आने की हो। तो अगर आपको पीडीएफ रिसीव नहीं हुए हैं तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज से पीडीएफ भेजना स्टार्ट हो गया, जिनकी इंटरव्यू पहले होगी शायद उनको पहले पीडीएफ मिलेगी मेल के माध्यम से। जिनको भी पीडीएफ मिल चुकी है उनको क्या करना है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको बस उस पीडीएफ की प्रिंट निकालना है, और उस पीडीएफ की प्रिंट को निकालने के बाद उसको
पेन से लिख लेना है, पूरा कंप्लीट भरना है, और कंप्लीट वह पीडीएफ भर देने के बाद में उसकी फ़ोटो खींच के उसको पीडीएफ बनाना है, या फिर आप स्कैन करके भी उसकी पीडीएफ बना सकते हो। पीडीएफ में सिंगल फाइल होनी चाहिए, जितने पेज आपको ब्लैंक भेजे गए हैं बिल्कुल उसी क्रम में उतने ही पेजेस आपके होने चाहिए, उससे ना ज़्यादा ना कम और ना ही उसका सिक्वेंस इधर उधर होना चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। दूसरी बात, आप जब उसको भेजेंगे तो आपको भेजते वक्त अब अगर मान लो किसी की डेडलाइन, किसी को अगर ये बोला गया हो कि आपको इस तारीख तक मेल भेजना है करके, और वो डेट अगर चली गई है तो वो जल्दी से जल्दी उस पीडीएफ को भेजें। अगर जिसकी भी डेट आगे आने वाली है, मतलब जिसको भी बोला गया कि आप इस तारीख तक भेजो और वो डेट अब तक आई नहीं है, तो आप कोशिश करो कि उस डेट तक पहुँच जाए, उस समय तक पहुँच जाए। फिर अगर आपके पीडीएफ आपको पहुंचने के बाद में उस समय तक अगर मान लो ज़्यादा सिर्फ कुछ घंटों का भी अगर अंतराल हो तो भी उतने घंटों में आपको पीडीएफ भेज देना है। अगर मान लो किसी को ये बोला गया हो कि मतलब डेडलाइन न दी गई हो और ये बोला हो कि पीडीएफ पहुंचने के बाद उसी दिन रात के 11:59 तक या फिर अगले दिन 11:59 तक पीडीएफ भेजो, तो वो अपने जैसा भी बताया गया है उसके हिसाब से कार्यवाही करें। और पीडीएफ के साथ साथ क्या भेजना है मैं बता चुका हूँ, पीडीएफ के साथ आपको आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ जरूर भेजना है, और अगर आपको बोला गया हो तो जो 4 वीडियो का फ्रेंड लाइफलाइन जो होती है, तो उस वीडियो फ्रेंड वाली लाइफलाइन के लिए 4 दोस्तों की फ़ोटो, ये ऑप्शनल है बता रहा हूँ मैं पहले ही, ये मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया था कि ये करना है करके, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस में भी मेंशन था। और 26 तारीख को मेरी जिनसे बात हुई उनका भी कहना था कि हमको फ़ोन पर भी बताया गया, पर उसके बाद मेरी जिनसे भी बात हुई उन सभी का कहना है कि हमको वो फ़ोटो भेजने के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, दोस्तों के जो फ़ोटो है 4 दोस्तों की फ़ोटो वो भेजने नहीं बताया गया। तो दोस्तों अगर आपको अब बताया गया है तो साथ में वो भी भेजना, और अगर वो नहीं बताया गया है तो आप नहीं भेजोगे तो भी चलता है, और भेजोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको अगर भेजना उचित लगे तो भेजिए, नहीं भेजना उचित लगे तो मत भेजिए फिर। तो पर ये जो 3 चीज़ें हैं कौन सी, तो पीडीएफ आपकी, उसके साथ में आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, इन ये 3 चीज़ें जरूर जानी चाहिए। और भेजते वक्त मैं ऑलरेडी 26 मार्च के वीडियो में शायद या उसके बाद और पहले भी बता चुका हूँ कि पीडीएफ भेजना कैसे है या ये मेल करना कैसे। तो आपको जिस आईडी से मेल आया है आपको नया कंपोज मेल बना के नया क्रिएट नया फिर से एक मेल भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस आईडी पर जिस भी मेल से आपको वो पीडीएफ भेजी गई है उसी को रिप्लाई करना है आपको, और रिप्लाई करेंगे आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, अपनी जानकारी लिखेंगे कंपोज टाइप करके, और उसके बाद उसी को भेज देंगे। रिप्लाई करेंगे तो क्या होगा उसका फ़ायदा मैं बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है जब वो हमको मेल मतलब कंटेस्टेंट्स को भेजते हैं पीडीएफ जब भेजते हैं, तो वो आपकी इंटरव्यू जिन्होंने आपको कॉल किया है जो मेल भेज रहे हैं वो नहीं लेते हैं, काफ़ी बार दूसरे प्रतिनिधि जो होते हैं वो आपकी इंटरव्यू लेते हैं, और उनकी भी पर जो ईमेल आईडी है वो भी कभी कभी आपको जो मेल भेजा गया उसी में सीसी या फिर बीसीसी में लिखी होती है। जो लोग मेल वगैरह भेजते रहते हैं उनको पता होगा सीसी और बीसीसी क्या होता है, तो उनकी ईमेल आईडी मेंशन रही थी, तो आप बस उसको रिप्लाई कर दो, तो जितने भी लोगों को उन्होंने वहाँ पर टैग कर दिया हुआ है तो उन सब तक वो मेल पहुंच जाता है, तो जिसका भी काम में का वो मेल होगा उनको रिसीव हो जाएगा। और अगर आप हाँ पर उसके साथ एक काम और कर लेना, वैसे देखा जाए तो kbcmarathi@setindia.com जो ईमेल आईडी है कौन होनार करोड़पति की, वो भी उस मेल में मेंशन रहेगी सीसी या बीसीसी में। अगर नहीं दिखती तो आप जब रिप्लाई करोगे तब चेक कर लेना कि वो है कि नहीं है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। पर kbcmarathi@setindia.com जो ईमेल आईडी है वो है कि नहीं चेक कर लेना, अगर नहीं दिखती कहीं तो आप मैनुअली टाइप करके उस पर भी आईडी पहुँचे इस बात की भी कोशिश जरूर करना। तो इतनी चीज़ें आपको भेजनी है। मैं एक चीज़ और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबको मेल अभी आया होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको अभी तक मेल नहीं पहुँचा है तो भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी डेडलाइन पास आने को है तो आपको मेल अभी नहीं भेजा गया होगा, बाद में आएगा। अगर आपकी डेडलाइन आपको अगर बताया गया होगा कि इस तारीख तक हम मेल भेजेंगे और वो डेट चली गई हो, तो आप अब फिर से उनको एक मैंने जैसा बोला था कि एक रिक्वेस्ट ज़रूर कीजिए कि मुझे मेल नहीं आया जबकि मैं शॉर्टलिस्टेड हूँ, तो वो मेल ज़रूर भेजिए। ऑटो रिप्लाई आएगा या जैसा भी आएगा पर भेजा जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। अगर आप शॉर्टलिस्टेड हैं तो आपको मेल भेजा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। और
इसके बाद वैसे आप जो आपको जो पीडीएफ भेजी गई थी उस पीडीएफ मतलब या भेजी गई है उस पीडीएफ को दोस्तों अगर आपके पास वो पीडीएफ है सीजन थ्री की तो एक काम जरूर करना, उस पीडीएफ को अगर आपके पास बहुत सारे लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर मेरी जो ईमेल आईडी है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है contact@rdhsir.com उस आईडी पर एक बार कोई भी मुझे मेल कर देना तो वो आप करना चाहो तो कर सकते हो। ब्लैंक वाली पीडीएफ की बात कर रहा हूँ मैं, भरी हुई कि नहीं। और अगर जिनको भी अब कॉल नहीं आया या मेल नहीं आया वो क्या कर सकते हैं, तो वो एक काम जरूर कर सकते हो, मैंने बोला एक ऑफिशियली मेल करो केबीसी की टीम को। उसके अलावा अगर आपके दोस्तों को आ चुका है मेल तो उनके पास से आप पीडीएफ मंगवा लो और उस पीडीएफ को भेज दो, चलता है उतना भी। या मेरे पास अगर अवेलेबल होती है तो भी मैंने बताया कि चैनल को जो भी सपोर्ट करेंगे ऐसे दर्शकों को मैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पर वो पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं अभी के मतलब सीजन टू की कर रहा था, अगर मेरे पास सीजन थ्री की अवेलेबल रहेगी तो मैं सीजन थ्री की पीडीएफ भी अवेलेबल कर दूंगा। पर हाँ, अगर कहीं आप और से मैनेज करते हो या अगर बाद में कभी मुझसे ही लेते हो मान लो, तो भी मैं बता दूँ कि उस पीडीएफ को अगर आप भेजेंगे तो आपका फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मैंने जैसे पहले अभी जो बताया कि आपको मेल रिप्लाई करना है, आप अगर मैनुअली भेज रहे हो तो आपको कंपोज करके नया मेल भेजना पड़ेगा, जबकि आप रिप्लाई करते हो तो इसका मतलब है कि उन्होंने आपको शेयर करे है, आप उसको रिप्लाई कर रहे हो, तो वैसा ही करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अन्यथा क्या होगा, अगर आपने पहले के पहले अगर भेज भी दिए कोई दिक्कत नहीं है उससे, पर उसके बाद अगर वो ऑफिशियली आपको मेल भेजते हैं ब्लैंक फॉर्म, तब आप ये मत सोचना कि मैंने तो ये ऑलरेडी भर दिया है तो अब इसको नहीं भरता, नहीं, उसमें बाद फिर से भरना पड़ेगा आपको। पर फिर से भरने की जरूरत नहीं होगी, आपके पास फोटो खींची रहेगी, पीडीएफ बनी रहेगी, तो फिर से एक बार मेल जरूर करना पड़ेगा। तो दोस्तों बस यही आज की अपडेट थी और मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। हाँ, उस पीडीएफ को भरना कैसे है ये भी कुछ दर्शकों के सवाल है, तो उस पीडीएफ को कैसे भरना है उसके संदर्भ में लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। और मैंने क्योंकि केबीसी कौन होना करोड़पति के सीजन थ्री की वो जो पीडीएफ है उसमें क्या क्या सवाल है, क्या क्या जानकारी मांगी गई है वो मैंने देखा नहीं हूँ। अगर मैं देखता तो मैं कंपेयर करके बताता कि पिछले और इस सीजन में क्या क्या अंतर है, परंतु इस बार मैंने देखा नहीं, अगर देखूंगा तो बता पाऊंगा। पर हाँ, लगभग वैसा ही भरना पड़ेगा, और अगर मेरे पास अवेलेबल होती है वो पीडीएफ तो उसको कैसे भरना है वो भी मैं उस पर भी मैं एक कल वगैरह वीडियो बना दूंगा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और हाँ, आप मैंने जैसा बताया कि पीडीएफ को आप पेन से लिखकर मतलब प्रिंट निकाल के पेन से लिखकर भर सकते हो, उसके अलावा भी एक सेकंड ऑप्शन है, हालांकि ये सेकंड ऑप्शन ऑफिशियल है या नहीं मुझे भी नहीं पता, पर लास्ट ईयर ऑफिशियली दर्शकों को बताया गया था कि आप एक तो पीडीएफ को प्रिंट करके पेन से लिखो और फिर उसको मतलब पीडीएफ बनाकर स्कैन करके पीडीएफ बना के भर दो, या फिर आप अगर चाहो तो कंप्यूटर पर उसी पीडीएफ को एडिट करके या फिर वैसा ही मतलब उसी पीडीएफ को एडिट करके जो है आप कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हो और फिर उसी की पीडीएफ बनाकर भी भेज सकते हो। ये पिछले साल ये सुविधा दी गई थी, इस साल ऐसा ऑप्शन अवेलेबल मतलब अलाउ किया गया है कि नहीं है मुझे पता नहीं है, पर क्योंकि मैक्सिमम टर्म्स एंड कंडीशंस जब पिछले साल जैसी ही है तो मेरे ख्याल से अगर आप शायद टाइप भी कर लोगे या उसी को एडिट करके फिर अगर अच्छे से टाइप करते हो और प्रिंट का मतलब टाइप करके अगर पीडीएफ बनाते हो तो भी मेरे ख्याल से चलना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये कुल अपडेट है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी के पास में स्पर्धक माहिती पत्रक अगले इस सीजन का अगर आ गया होगा तो मुझे वो भेज सकते हैं, अगर मेरे पास वो अवेलेबल हो जाता है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कल की कैसे भरना है उसके बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अगर कोई सवाल या सुझाव है जिसका उत्तर मैंने इस वीडियो में नहीं दिया हुआ है तो इस वीडियो को में आप फिर कमेंट कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा दोस्तों मुझे, अगर आपके पास नंबर होगा भी तो हाँ पर्सनली मैसेज करेंगे चल जाएगा एक बार, या फिर मैं तो बोलता हूँ सबसे बेस्ट वीडियो में कमेंट कीजिएगा और चाहे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी दर्शक हो सकते हैं जिनको ये पता ही नहीं कि कौन होना करोड़पति की तरफ से अब मेल भी आने चालू हो गए, पीडीएफ भेजना चालू हो गया करके, हो सकता है वो शॉर्टलिस्टेड हो और वो पीडीएफ का इंतजार ही करते रहे, अपना मेल चेक ही ना करें जबकि उनको मेल आ गया हो, तो मेल अपना चेक करते रहे इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।